नमस्कार दोस्तों, फूड इवेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू और बीन्स की बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं, और आज के लाइक का गोल लगते हैं 1000। आज के रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे, और 1 पाव बीन्स है, और बीन्स को अच्छे से धोने के बाद ऐसे बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। आलू और बीन्स आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। पानी जब गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए बीन्स। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम में बस हमें 2 मिनट के लिए बीन्स को बॉईल करना है। 2 मिनट से ज़्यादा हम बॉईल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके बीन्स को छान लेंगे। 2 मिनट हो गए, अब हम बीन्स को एक टोकरी में छान लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। 5 फोड़न जैसे हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। प्याज को हाई फ्लेम में बस हम 1 मिनट पहले फ्राई करेंगे। चार से पांच लहसुन को चॉप कर लिया है, डाल देंगे हम। लहसुन डालने के बाद कुछ देर और फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पे आलू। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि आलू के साथ भी हमें फ्राई करना है प्याज को। लहसुन डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए आलू। आलू डालने के बाद हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके ढक देंगे। 3-4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। तब तक प्याज और आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बीच में खोल के आप 2 से 3 बार चेक भी करते रहिएगा, जिससे आलू नीचे ना जले। 3-4 मिनट बाद आलू और प्याज हमारा फ्राई हो गया है। आप देख सकते हो प्याज और आलू का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे कर देंगे। 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और डालेंगे हम यहाँ पे नमक स्वादानुसार। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तब तक मसाले हमारा अच्छे से भून जाएगा। दो मिनट लो फ्लेम में। 2 मिनट बाद मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, और आलू भी हमारा 80% कुक हो चुका है। देखिए, अब हम यहाँ पे डाल देंगे बीन्स। बीन्स डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे, और उससे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला।
एक बार हम मिक्स करेंगे और फिर से पैन को कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए। सब्जी में हम एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, हमें लो फ्लेम में ढक के सब्जी को पकाना है। तो मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और 5-6 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। बीच में खोल के अब दो बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा जिससे सब्जी नीचे ना जले। 5 मिनट बाद मैंने बीच में खोल के दो बार स्पैचुला से चला लिया था। एक मीडियम साइज के टमाटर को पतले स्लाइस में हम काट के डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। तब तक टमाटर हल्का हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और आलू और बीन्स भी पूरी तरीके से हमारा पक जाएगा। तो बस मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम लो रखना है। बीच में खोल के आप एक बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 2 मिनट बाद बीन्स आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस तरीके से आप एक बार ये बीन्स आलू बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में रोटी पराठे के साथ। तो बस अच्छे से मिक्स करना है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम भी हम बंद कर देंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी आलू बीन्स बनके तैयार है। हम सब्जी को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में और आप देख सकते हो ये सब्जी देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए ये खाने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये आलू बीन्स की रेसिपी को आप एक बार जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।